नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। आज मैं आपको अमेरिका के एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और लेफ्टिस्ट लिबरल्स के मुंह पर एक बहुत तगड़ा तमाचा है। वो लोग जो आज कन्हैया कुमार केस में अथॉरिटीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो हिपोक्रेट लोग जो प्रधानमंत्री के मर्डर प्लॉट में शामिल आरोपियों का समर्थन कर रहे थे, उनको जेल भेजे जाने के फैसले पर कोर्ट की निंदा कर रहे थे, वो पाखंडी लोग जो विदेशी धरती पर बैठे हुए हैं, खुद को एजुकेटेड इंडियंस बताते हैं, बात बात पर अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस केस के बारे में जाने। ये केस है, कहानी है अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर और फार्मा इनोवेटर मार्टिन शकरेली की। कैसे वो रातों रात अमेरिका का मोस्ट हेटेड व्यक्ति बन गया, सबसे नफरत शुदा इंसान बन गया, एक रात में विलन बन गया। क्यों उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मुकदमे चलाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों इन मुकदमों में उसकी बेल को कैंसिल कर दिया गया। हमेशा ही अति विश्वास और एरोगेंस से चूर साइंटिफिक और मैथमेटिकल जीनियस माइकल शकरेली ने कुछ सालों तक वॉल स्ट्रीट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम करने के बाद 2009 में अपना खुद का हेज फंड लॉन्च किया, जिसका नाम था MSMB कैपिटल मैनेजमेंट। इस कंपनी में माइकल शकरेली ने अपनी मनमर्जी से काम किया और इन्वेस्टर्स के पैसे को अपना पैसा मानते हुए, मनमानी करते हुए, उनको अंधेरे में रखते हुए उनके पैसे के ऊपर बड़ा बड़ा रिस्क लिया। ऐसा ही एक रिस्क और इन्वेस्टमेंट बैकफायर कर गया और इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूब गया। शकरेली को कानून के अनुसार ये बात अपने इन्वेस्टर्स को बतानी चाहिए थी, डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और इस वजह से वो फेडरल क्राइम कर बैठता है। 2015 में शकरेली ने अपने जीवन की दूसरी फार्मा कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम था ट्यूरिंग फार्मास्यूटिकल्स। मार्टिन का बिजनेस प्लान सिंपल था, रेयर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अंडर डेवलपमेंट दवाइयों के लाइसेंस खरीदना, उनको विकसित करना और उनके नाम पर कंपनी के लिए फंड्स रेज करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना। इसी प्लान के तहत अगस्त 2015 में मार्टिन शकरेली ने डेराप्रिम नाम की एक लाइफ सेविंग ड्रग के पेटेंट राइट्स खरीद लिए। इस दवाई का इस्तेमाल टॉक्सोप्लास्मोसिस नाम की एक कंडीशन में किया जाता है, जो कि एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाए तो इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन यदि HIV पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट्स को हो जाए तो यह कंडीशन जानलेवा हो सकती है। और डेराप्रिम दवाई का इस्तेमाल ज्यादातर HIV और कैंसर पेशेंट्स में इसी कंडीशन का ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। अमेरिका के मार्केट में डेराप्रिम का जेनरिक वर्जन अवेलेबल नहीं था। कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ मार्टिन की कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो अमेरिका में इस दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकती थी, उसका और कोई कंपटीशन नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए 2 महीने बाद मार्टिन शकरेली ने एक दिन अचानक रातों रात इस दवाई की कीमत में 5000% की दर से इजाफा कर दिया। एक गोली की कीमत जो अब तक $13.5 थी, उसको रातों रात मार्टिन ने $750 कर दिया, यानी एक गोली की कीमत में 56 गुना का इजाफा। अमेरिका में हल्ला मच गया, सोशल मीडिया के ऊपर लाखों लोगों का गुस्सा मार्टिन शकरेली के ऊपर फूट पड़ा, वो रातों रात अमेरिका का मोस्ट हेटेड व्यक्ति बन गया, विलन बन गया, उसको फार्मा ब्रो जैसे टाइटल्स की संज्ञा मिल गई, उसके खिलाफ भद्दे भद्दे पैरोडी सॉन्ग्स बनने लगे। ज्यादातर लोग ऐसे में कंट्रोवर्सी दब जाने तक खुद को लो प्रोफाइल रखते, टीवी के ऊपर नहीं आते, सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं करते, लेकिन मार्टिन शकरेली ने ठीक इसका उल्टा किया। वो रोज सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपने आलोचकों को गाली देने लगा, टीवी न्यूज चैनल्स पर जाकर अपने आलोचकों की धज्जियां उड़ाने लगा और अपने इस निर्णय को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगा। यह मामला इतना बढ़ गया कि उसके इस निर्णय का संज्ञान अमेरिका की कांग्रेस ने लिया, अमेरिका का जो निचला सदन होता है, उन्होंने मार्टिन शकरेली के इस कीमत बढ़ाने के निर्णय का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी। इस मामले के ऊपर कांग्रेशनल कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की हियरिंग में मार्टिन शकरेली को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। मार्टिन शकरेली अब दुनिया के सबसे पावरफुल देश की सरकार के क्रॉस हेयर्स में आ चुका था, उनके निशाने पर आ चुका था, लेकिन सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उसका इतनी कीमत बढ़ाने का यह निर्णय अनैतिक तो था लेकिन इलीगल नहीं था। इसके बाद 17 दिसंबर 2015 को FBI मार्टिन शकरेली के ऑफिस के ऊपर छापा मारती है और उसको सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के 8 कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। FBI के अनुसार शकरेली ने MSMB कैपिटल में अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई सारे कानूनों को तोड़ा था।
उसको तुरंत जमानत भी मिल जाती है और बाहर आकर अब वो अपना प्रहार सरकार के ऊपर और ज्यादा तेज कर देता है। रोज सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आकर सरकार का मखौल उड़ाना जारी रखता है। मार्टिन की ख्याति या फिर कहें कि कुख्याति अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावी प्रचार तक पहुंच जाती है और अपनी अपनी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दोनों ही मार्टिन शकरेली को खुलकर क्रिटिसाइज करते हैं। मार्टिन शकरेली भी अपने सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों के ऊपर उल्टा प्रहार करता है। वो हिलरी क्लिंटन को किलरी क्लिंटन की संज्ञा देता है और कहता है कि हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन ना जाने कितने मासूमों के कत्लों के लिए जिम्मेदार है और हिलरी क्लिंटन की इसलिए डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए जिससे कि उसको जेल में भेजा जा सके। अपनी ऐसी ही एक फेसबुक पोस्ट में मार्टिन शकरेली अपने लाखों फॉलोअर से अपील करता है कि हिलरी क्लिंटन की किसी भी रैली में जाएं और उसके सिर का एक बाल तोड़कर लाएं जिससे कि डीएनए टेस्टिंग की जा सके और हिलरी क्लिंटन को जेल में डाला जा सके। और साथ में वो ये भी लिखता है कि जो ऐसा करेगा वो उसको अपनी जेब से $5,000 देगा। जर्नलिस्ट, टीवी एंकर और रेडियो होस्ट को टारगेट करना एक बात है, लेकिन अमेरिका की पूर्व होम सेक्रेटरी, सेनेटर और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को टारगेट करना बिल्कुल ही अलग बात। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस मार्टिन शकरेली की इस फेसबुक पोस्ट को थ्रेट की तरह ट्रीट करती है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सीक्रेट सर्विस शकरेली को इंटरव्यू के लिए बुलाती है लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट मार्टिन शकरेली का जो केस चल रहा था उसके जज के पास उसकी बेल रिवोक करने के लिए, बेल कैंसिल करने के लिए अपील दायर कर देते हैं। यूएस गवर्नमेंट की इस अपील पर सुनवाई करते हुए जज मार्टिन शकरेली से पूछती है कि तुम्हारी बेल क्यों ना कैंसिल कर दी जाए, क्यों ना रिवोक कर दी जाए। इसके जवाब में शकरेली जज से माफी मांगते हुए कहता है कि वो फेसबुक पोस्ट सिर्फ एक मजाक थी, लाइट हार्टेड जोक था, प्रैंक था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इस पर जज मार्टिन शकरेली से पूछती है कि क्या तुम अपने लाखों फॉलोअर्स को पर्सनली जानते हो, एक एक फॉलोअर को। मार्टिन शकरेली कहता है नहीं। जज कहती है फिर तुम ये गारंटी कैसे दे सकते हो कि तुम्हारी इस पोस्ट का, इस अपील का तुम्हारे फॉलोअर्स क्या मतलब निकालेंगे, इसको सीरियसली लेंगे या नहीं, इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो। ऐसे ही जज मार्टिन शकरेली को खरी खरी सुनाते हुए उसकी बेल कैंसिल कर देती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका में एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर वहां की अथॉरिटीज इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, पोस्ट लिखने वाले को जेल में डाल देती हैं। दूसरी तरफ हमारे यहां सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने की साजिश रची जाती है। उस साजिश के पुख्ता सबूत मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है, रिटन एविडेंस मिलता है। साजिश में जो शामिल लोग हैं, कोर्ट जब उनको जेल भेजती है सबूतों के आधार पर, तो हमारे लेफ्टिस्ट लिबरल्स टुकड़े टुकड़े गैंग कोर्ट का मखौल उड़ाते हैं, कोर्ट के फैसले की निंदा करते हैं, साजिश रचने वालों का समर्थन करते हैं। अगर ये आरोपी लेफ्ट की जगह राइट विंग के होते तो हमारे लेफ्टिस्ट लिबरल्स टुकड़े टुकड़े गैंग और एजुकेटेड इंडियन इसी कोर्ट की इतनी तारीफ करते, इन्हीं सबूतों को बहुत ही सीरियस और पुख्ता सबूत बताते और सरकार की फिर भी आलोचना करते। आज जब नरेंद्र मोदी के मर्डर की साजिश हुई है तो भी सरकार की आलोचना, और अगर किसी और की हुई होती और आरोपी राइट विंग के होते तो भी सरकार की आलोचना होती। इन लोगों का एक ही फंडा है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, विचारों की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन क्या अपने ही देश के प्रधानमंत्री के मर्डर का प्लॉट रचने वालों का समर्थन करना ठीक है? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या नरेंद्र मोदी कुछ ही लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है? आप लोग पिक एंड चूज कैसे कर सकते हो? कुछ केसेस में कैसे आप कोर्ट की सराहना कर सकते हो और कुछ केसेस में कैसे आप कोर्ट की निंदा कर सकते हो? इतनी नफरत आप लोग कैसे फैला सकते हो? और ये सब करने के बाद आप लोगों को शर्म नहीं आती जब आप खुद को अनबायस्ड कहते हो? आप खुद को अनबायस्ड कैसे कह सकते हो? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।